ये लड़का देख रहे आप लोग, इसने क्या किया है, मेरा मोबाइल ले लिया और खुद की में खुद में जो आवाज़ नहीं आती ना वो मोबाइल मेरे को दिया। मेरी वीडियो में एकदम कम आवाज़ आ रही है। ये मेरा मोबाइल है इसके पास, ये इब्राहिम नाम है इसका। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ मसाले वाले चावल बैदे के। आवाज़ आ रही है? ये बैदे मैंने बॉईल कर ली हूँ और ये तीन छोटे टमाटर काट ली हूँ, इसमें पुदीना और कोथमीर काट ली हूँ और ये हरी मिर्ची अदरक लहसुन मैं अभी पीसूँगी। ज़ीरा वीरा नहीं डालूँगी मैं, इसको ऐसे ही पीसूँगी। और ये तीन एक बड़ा कांदा काटी हूँ मैं, एक बड़ा कांदा। बताओ आपको कौन सा, ये वाला, ये कांदा मैं एक बड़ा काटी, बहुत बड़े बड़े कांदे। और इसके अंदर मैं काली मिरी, लौंग, ज़ीरा, शाह ज़ीरा डालूँगी। तो पहले ये मैं पीस लेती हूँ। गैस ऑन कर ली मैंने, तेल डाल दिया इसमें। मम्मो चलना पानी आ रहा, फटाफट कर मैसेंजर। अब क्या लाए हो? शाह ज़ीरा डालूंगी थोड़ा, और ज़ीरा डालूंगी इसमें। खाली में भी लौंग, खाना लाल होकर देखूँ फिर इसमें मैं पिसेला मसाला डालूंगी। खाना जब तक लाल हो, आंधा होने वाला मेरा, मैं अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाली हूँ इसमें। मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसी इसको, जल्दी जल्दी डालो नमक। ये तो पहले नमक पड़ा, ये भी डाल दूँगी। मैं थोड़ा जार में पानी डाल के इसको भी धो के डाल दूंगी। इसको थोड़ा पकने दूंगी, इसकी चरचर आवाज आ रही है, पानी सूख गया इसका। टमाटर डालूंगी, हरी मैंने रखी हूँ कोथमीर पुदीना, डालने के बाद डालूंगी। और अभी इसमें मैं सूखे मसाले डालूंगी। कोई भी डाल सकते हैं, मैं नमक पहले ही डाल रही हूँ। मैं पहले धनिया पाउडर, फिर जाएगी हल्दी, इसमें जाएगी मिर्ची पाउडर, और गरम मसाला पिसा हुआ। इसमें मैं आलू वालू नहीं डाल रही हूँ, बैदे भी कैसा डालूंगी, चावल जब दम आ जाएगी ना फिर उसको मैं बैदे रख दूंगी।
थोड़ा भूनने देती हूँ, देखती मसाला कितना भुने गया। चलो मम्मू फटाफट, मसाला अच्छा भुन गया। इसमें मैं चावल डालती हूँ, 1/4 किलो चावल है, डाल रही हूँ मसूर। टोप में भी जो चावल थे ये भी मैं डालूंगी सर, पानी के साथ इसमें पानी डालूंगी ना। और डाल दी मैंने पानी थोड़ा, बराबर है। ये थोड़ा उबलेगा ना, अभी थोड़ा उबलेगा तो मैं इसको दम पे लगा दूंगी। अभी इसको है ना मैं दम पे रख रही हूँ, तवा रख दी हूँ मैंने बाजू के चूल्हे पे, इतने पकने होना है ना, तो नहीं रखूंगी ना तो नीचे से पक जाएगी, पतला है ना ये तो। अभी मैं ये स्टेज पे इसको तवे पे ट्रांसफर कर दूंगी, या तो तवा ही यहाँ रख देती हूँ। ये तवा थोड़ा चला दूंगी, अभी मैं ये इस पे ना अंडे रख दूंगी, ये ऐसा मैं बोली ना अंडे रख दूंगी, मैं बताऊंगी ये ऐसा अंडे में भी जूस आ जाए। और आज के अंडे अच्छे है, देखो दूसरी जगह से हम लोगों ने मंगाए। इसको मैं लगा रही हूँ दम, इसको पास पास और पास पास पे रखूंगी 5 मिनट, फिर स्लो कर दूंगी। देख लेते कितने बनने पे आए, अभी भी इसमें पानी है। बस होने आए, थोड़ा और 5 मिनट लगेगा। तेल ऊपर जम गया था ना इसलिए हिलाना पड़ेगा इसको, ये बस 5 मिनट और तेल भी तैयार हो जाए। दम पे पकाऊंगी मैं 5 मिनट और इसको। ये तैयार हो गए मसाले वाले चावल, अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे इफ्तारी में। तो ये मैंने इफ्तारी में आज बनाई मिसल पाव, ये मिसल है इब्राहिम, इस पर कांदा डाल है, और ये पाव और ये फालूदा। तो ये बनाई थी आज अंडे के मसाले वाले चावल, जूम है अंडे के मसाले वाले चावल और ये फ्रूट। तो ये आज की इफ्तारी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में बताना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
और दुआ में याद रखना। तो ये वीडियो मैं अभी यहीं एंड करती हूँ, खुदा हाफिज़। तू ना मेरे को मत सिखा। ये बस।